नमस्कार दोस्तों, रिचर्ड्स के मूल सिद्धांत के बाद हम उनके संप्रेषण सिद्धांत की चर्चा करेंगे। बाकी चीज़ें हमने उनके बारे में जान ली हैं। तो पूर्व प्रचलित जो प्रेषणीयता थी वो शब्द की नवीन व्याख्या की उसकी रिचर्ड्स ने, और नवीन व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेषणीयता कोई अद्भुत या रहस्यमय व्यापार नहीं है, अपितु मन की एक सामान्य क्रिया मात्र है। प्रेषणीयता में जो कुछ होता है वह यह है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में विभिन्न मस्तिष्क प्रायः एक जैसी अनुभूति करते हैं। जैसे अगर आपको डराया जाएगा तो विभिन्न मस्तिष्क जो है वो केवल डरेंगे ऐसा, और कुछ मस्तिष्क होंगे जो कि साहस दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हर दिमाग अलग अलग सोचे, कोई डरे, कोई खुश हो जाए, कोई रोने लगे, ऐसा अलग अलग नहीं होगा, ठीक है। तो विभिन्न मस्तिष्क एक तरह से सोचेंगे विभिन्न परिस्थितियों में। जब किसी वातावरण विशेष से एक व्यक्ति का मस्तिष्क प्रभावित होता है तथा दूसरा उस व्यक्ति की क्रिया के प्रभाव से ऐसी अनुभूति प्राप्त करता है जो कि पहले व्यक्ति की अनुभूति के समान होती है तो उसे प्रेषणीयता कहते हैं। वस्तुतः किसी अन्य की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। कवि, कलाकार या सर्जक अनुभूतियों का भावुक द्वारा अनुभूत किया जाना ही संप्रेषण है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फीलिंग को कवि ने फील किया और उसको अपनी कविता में लिखा, और वो कविता जब वो पाठकों के सामने रखता है तो पाठक भी उसी तरह के फीलिंग उनके मस्तिष्क में जो चीज़ लेखक ने लिखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भावक ने कई तरह की फीलिंग्स को एक विशेष परिस्थिति से लेके कि जिसमें कई व्यक्तियों की फीलिंग समाहित है उसको लेके उसने कुछ लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक विशेष परिस्थिति में कई लोगों को एक विशेष तरह के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो वही रिचर्ड्स कहते हैं कि संप्रेषण के लिए तीन बातें जरूरी हैं। पहली बात जो है कलाकृति की प्रतिक्रियाएँ एक रस हों, ठीक है। कलाकृति की प्रतिक्रियाएँ एक रस होनी चाहिए, वे पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार की हों, वे अपने उत्तेजक कारणों द्वारा उत्पन्न किए जाने योग्य हों। ऐसा ना होगी उनके उत्तेजक कारण ही फेल हो जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कला में प्रेषणीयता आवश्यक है, किंतु कलाकार को इसके लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कलाकार जितना सहज और स्वाभाविक रूप में अपना कार्य करेगा उनकी अनुभूतियाँ उतनी ही संप्रेषणीय होंगी, ठीक है। आप जितना ही सहज होकर बोलेंगे तो आप लोगों को अपनी बात समझा पाएंगे। अगर आप बहुत अपने ऊपर चोला ओढ़ के बोलने लगे तो फिर आप लोगों तक अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। संप्रेषण तभी पूर्णता से प्राप्त होता है जब विषय रोचक और रमणीय हो। मतलब इन्होंने विषय की रोचकता और रमणीयता पर जोर दिया, सहजता पर जोर दिया संप्रेषण के लिए। संप्रेषण मीन्स एक्सप्रेशन के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना हो जब आपको, तो आप विषय को रोचक ढंग से एक्सप्रेस करें, उसको सहज रूप से एक्सप्रेस करें, और ऐसे ही उदाहरण या कुछ ऐसे ही उपमाएं रखें लोगों के सामने जो उनके समझ में आ जाए, ठीक है, जिसकी की प्रतिकृति उनके मस्तिष्क में बन जाए। तो संप्रेषण सिद्धांत यही है मोर और लेस। तो इतना आप जानिए, फिर आगे किसी और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।